बीना और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम के पब्लिक ओपिनियन में आज का हमारा विषय है कि क्या प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना स्टेटस का सिंबल बन गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी ऐसे बहुत सारे सरकारी ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे मंत्री के बच्चे हैं जो कि निजी स्कूलों में पढ़ते हैं और इसी कारण जो है सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो चलिए पब्लिक से जानते हैं कि क्या निजी स्कूलों में पढ़ाना सच में स्टेटस का सिंबल बन गया है या नहीं। आज का हमारा सवाल है पब्लिक से कि क्या निजी स्कूलों में पढ़ाना स्टेटस का सिंबल बन चुका है, और इसके लिए हमारे साथ अभी हैं सूरज जी। तो हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। जहाँ तक स्टेटस की बात नहीं है, एजुकेशन सरकारी स्कूल में उतना अच्छा नहीं होता है ये प्राइवेट के कंपेयर में, इसलिए लोग चूज करते हैं प्राइवेट स्कूल। और टीचर भी फैकल्टी भी सब वहाँ पे जो है सर प्रोफेशनल मतलब स्पेशलिस्ट रहता है, जैसे फिजिक्स का अलग हुआ, केमिस्ट्री का अलग हुआ। सरकारी में क्या होता है कि हाँ आए अपना ऑफिस में आए, अटेंडेंस बनाए, बच्चे को दे दिए, हाँ भाई ये बनाओ वो बनाओ, और उसके बाद अपना काम कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, कोई अपना स्वेटर बिन रहे हैं, यही सब तो है। ये जो फंडा चला हुआ खाना उना खिलाने वाला आंगनबाड़ी का, ये सब तो और बेकार है। ये सरकार जो 30 साल पहले जो टीचर का वेतन था उतना अभी का टीचर का देना चाहिए था, तब ना वो पढ़ाएगा मन से। अभी 30 साल वाले को नहीं दिया, ये BA पास कर रहा था उसको 10,000 दीजिए, IA पास कर रहा था उसको 20,000 दीजिए, ये क्या फंडा है? ये सब फंडा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है। हमारे इस टॉपिक पे बात करने के लिए अभी मेरे साथ सचिन है, तो चलिए इनकी राय जानते हैं। जी सचिन, देखिए आज हमारे जो अभी का जो चल रहा है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कोई सुविधा है नहीं, लेकिन बच्चों को अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ आप और हम जाते हैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में उतना कुछ मतलब सुविधा अवेलेबल नहीं है, इसी चीज़ के लिए लोग प्राइवेट स्कूल की ओर जाते हैं। और देखते हैं आपस में ही उसका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है तो अपना भी चाहते हैं उसी तरह का स्टेटस होना चाहिए, इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और अगर सरकार सुविधा दे तो क्यों नहीं जाए उसके लिए, यही चीज़। अभी मेरे साथ देवेंद्र सिंह है, तो चलिए इनकी राय जानते हैं। प्राइवेट स्कूलों को तो बंद कर देना चाहिए, सरकारी स्कूल में दिल्ली की तरह यहाँ भी फैसिलिटी होनी चाहिए जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ें। यहाँ तो स्कूल फैसिलिटी है ही नहीं सरकारी में, लेकिन देना चाहिए। पूजा है, तो इनसे जानते हैं कि क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चों को स्टेटस का सिंबल बन गया है या नहीं। जी पूजा। हाँ, ये क्या कहते हैं कि सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जो नीचे वर्ग का भी वो भी चाहते हैं कि अपने बच्चा को अच्छा एजुकेशन दे, जैसे मेरा बच्चा भी ऊँचा रहे, बट सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर अच्छा एजुकेशन ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है कि इतना सुविधा नहीं मिल पाता है, लेकिन अब गवर्नमेंट जो नीतीश कुमार हैं हम लोग के अब उतना सुविधा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों हम लोग चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई हो रही है। लोग अपने बच्चों को मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ा करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उनमें यह मतलब सोच रहता है कि गवर्नमेंट में अच्छी उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, टीचर अच्छे नहीं आते, टाइम पर वो टीचर नहीं आ पाते, जिसके कारण हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मतलब प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। प्राइवेट स्कूल एक स्टेटस माना जाता है। तो क्या आपको भी लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ाना और प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को ले जाना स्टेटस का सिंबल माना जाता है? जी हाँ, ये आजकल का प्रचलन भी हो गया है कि लोग मतलब देखा देखी भी करते हैं कि ये वो उनका बच्चा अगर प्राइवेट में पढ़ता है तो हमारा बच्चा क्यों गवर्नमेंट में पढ़ेगा, वो भी प्राइवेट में ही पढ़ना चाहिए, उसे भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसके कारण लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट में ना पढ़ा करके प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं। प्राइवेट में इंग्लिश पर फोकस किया जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज पर भी
और हर स्टेटस पर भी फोकस किया जाता है। और आजकल इंग्लिश का मतलब ज़्यादा प्रचलन हो गया है हमारे कंट्री में, इंग्लिश ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, मतलब जहाँ भी जाओ तो इंग्लिश ही चाहिए, इसीलिए लोग बच्चों को पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे जब गवर्नमेंट स्कूल में रहेंगे तो उन्हें इंग्लिश की शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण उसका स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा और उन्हें मतलब दूसरों के सामने शेम ना होना पड़े, जिसके कारण वो उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते, ये भी एक कारण है उन्हें गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। इसी विषय पर बात करने के लिए अभी मेरे साथ कृष्ण मुरारी जी है, तो इनसे जानते हैं कि इनकी राय क्या है। स्टेटस तो बनाई है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल को प्राइवेट जैसा बना दिया जाए तो उस तरह की बात नहीं रहेगी। अभी मेरे साथ सपन जी है, तो इनसे जानते हैं कि क्या सच में प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना स्टेटस का सिम्बोल माना जाता है या नहीं। जी सपन जी। हाँ, सरकारी स्कूल में तो टीचर लोग पढ़ाते भी नहीं है, एब्सेंट रहते हैं अपना, इसीलिए लोग प्राइवेट में देते हैं कि बच्चा कुछ अपना राइज करे पढ़े, और सरकारी में तो ठीक से पढ़ाई नहीं होता है, टीचर लोग बढ़िया से पढ़ाते नहीं, उन लोग सोचते हैं कि अपना सैलरी मिलेगा अपना, उसमें केयर करते नहीं है बच्चे लोग को, इसीलिए प्राइवेट में पढ़ाते हैं। आज का हमारा ये वीडियो और हमारा विषय कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही हमें ये भी बताएं कि अगला हमारा जो विषय रहे पब्लिक ओपिनियन के लिए वो क्या रहेगा।